मैं फाल्गुनी राजानी आप सबकी चहेती गुलफाम कली भाभी जी घर पर है से आज नागपुर आने का मौका मिला है सो इस जरिए हम आप सबसे मिल रहे हैं सो ये भी एक अच्छी बात है ना हमारे लिए स्पेशली आप तो हमें टीवी पर देखते रहते हैं लेकिन आज आप हमें इस न्यूज चैनल के जरिए देखने वाले हैं सो INN24 न्यूज चैनल हमेशा देखते रहिए बाय बाय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा एडवोकेट चारुलता कोटस के निर्देशानुसार कल्याण डोंबिवली महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष कांचन कुलकर्णी के मार्गदर्शन में रविवार को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रेलवे स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य मकसद है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। इस अभियान में चारुलता कोटस ने हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक महिला अपना हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाएं। अगर हम महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा तथा विधानसभा में मिल जाता है तो अधिक से अधिक महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी और देश का विकास करेंगी। इस मौके पर महिला कांग्रेस कमेटी की सर चिटनीस चित्रा बाथम, रुतिका कुंडेकर, अर्चना राठौर, झारखंड के पूर्व विधायक राजेश रंजन आदि मान्यवर उपस्थित थे। आज का प्रोग्राम हम लोगों ने राजीव गांधी जी की जयंती है उसके लिए आज मैं पहले उनको अभिवादन करती हूँ करती हूँ और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए सबसे पहले जो मुझे उन्होंने शुरुआत की थी उसी का आज हम लोग आगे का पैर उठा रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण पंचायत समिति से लेकर के नगर सेवक के इलेक्शन तक तो मिल जाए कॉर्पोरेशन तक, लेकिन विधानसभा लोकसभा में अभी तक वो ये नहीं हुआ। इसके लिए आज हम लोगों ने ये सिग्नेचर कैंपेन के जरिए मोदी जी तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मतलब ये जो बिल है, ये बिल जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी तो लोकसभा में राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका 33% आरक्षण वाला है, बट उसके बाद इलेक्शन लड़ने की वजह से ये राज्यसभा लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसलिए हम लोगों की मांग ऐसी है कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। Hello, this is Palak Nas and you are watching INN24. Hi, my name is Pooja Sharma and you are watching.